वेलकम स्टूडेंट्स क्लास नाइन्थ अभी तक आप लोगों ने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया उनके गुणों के बारे में भी पढ़ लिया और आपने आई uh, होप आपने तीनों में अंतर स्टेट जो थी तीनों का अंतर भी आपने निकाल लिया होगा ठोस द्रव गैस में क्या अंतर होता है ये भी आपने जान लिया होगा अब हमारे पास प्रश्न पर ये उठता है क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है तो बेटा एक ही चीज़ ऐसा होता है कि जो पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के रूप में पाया जाता है जैसे जल जल जो होता है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है ठोस में भी द्रव में भी और गैस अवस्था में भी तो जब हम एक ही द्रव्य को अवस्थ उसकी अवस्था परिवर्तन करते हैं तो उस पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं इस और परिवर्तन से कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे एक प्रयोग करेंगे और वो प्रयोग होगा क्या तापमान परिवर्तन का प्रभाव तापमान परिवर्तन का प्रभाव यानी कि जब हम बर्फ में जैसे बर्फ है जब बर्फ ठोस अवस्था में है ठीक अब उस ठोस अवस्था को हम क्या करेंगे पिघलाएंगे बर्फ़ को पिघलाते हैं तो वो किस अवस्था में बदलेगी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी तो ताप की वजह से वो अवस्था में परिवर्तित हुई हुई कि नहीं हुई चलो इस इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं ठीक और वो एक्टिविटी है आपका ये दिया हो गया है 1.12 जैसे एक बीकर में क्या किया हमने 150 ग्राम बीकर बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया और उसको हमने ऐसे लटका दिया कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ, बर्फ को छू सके अब बीकर को धीमी आंच पर गर्म करना प्रारंभ कर दिया जब बर्फ़ पिघलने लगा तो तापमान को नोट कर लिया जब बर्फ पूरी तरीके से जल में परिवर्तित हो गया फिर से तापमान नोट कर लिया ठोस से द्रव अवस्था में आने वाले परिवर्तन को हमने ऑब्जर्व किया दोनों सबको नोट करते गए अब कांच की एक छड़ बीकर में डाला और हिलाते हुए गर्म किया जब तक कि जल उबलने न लगे थर्मामीटर के माप पर हमारी नज़र बराबर थी जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न बन जाए जब तक कि पानी उबलने न लगे जल के द्रव अवस्था से गैसी अवस्था में परिवर्तन पर फिर से हमने ऑब्जर्वेशन किया फिर से हमने जो ऑब्जर्व उस ऑब्जर्वेशन को नोट किया अब दोनों का अवलोकन किया मतलब जब वो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुई और द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हुई इन दोनों को अवलोकन करने पर हमें ज्ञात हुआ कि बीकर को गर्म करने पर बर्फ जल में परिवर्तित होने लगती है संपूर्ण बर्फ़ के जल में परिवर्तित होने के दौरान जो तापमान रहता है वो सामान्य रहता है यानी कि ज़ीरो डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है लगातार जब हम उसको गर्म करते जाते हैं जब वो वाष्प में परिवर्तित होता है तब तापमान कितना हो जाता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हो जाता है इससे निष्कर्ष ये निकलता है बच्चों तापमान बढ़ाने पर ठोसों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तब क्या होगा जो ठोस के अंदर जो कण है वो आपस में कंपन करने लगेंगे और कंपन करेंगे तब क्या होगा उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो हटने लगेगा एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे और फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो कण अपने स्थान को छोड़कर क्या करेंगे स्वतंत्र होकर गति करने लगेंगे ठीक तो इसको तो आपने ये देखा कि ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है ठोस पर ठीक अब यानी कि पदार्थ पर क्या परिवर्तन हुआ ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया और द्रव से गैसी अवस्था में परिवर्तित हो गया तो इसका मतलब तापमान बढ़ाने पर जो पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है ठीक है अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है हमारा दाब पहला है ताप और दूसरा है दाब, दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है चलिए देखते हैं दाब पर परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है आ, जैसे ये है हमारा टॉपिक ये है दाब परिवर्तन का प्रभाव चलिए देखते हैं जैसे हमें पता है कि पदार्थों के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अंतर करके अंतर क्यों माना जाता है क्योंकि उनके बीच की दूरी होती है है ना पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर उनके घटक कणों के बीच की दूरी के कारण होता है जैसे कोई सिलेंडर है उसमें जो गैस भरी हुई है उस पर दाब लगाया जाता है तब क्या होता है दाब लगने पर क्या हो रहा उनके कणों के बीच की दूरी कम होने लगती है और दाब घटाने पर क्या होगा कि पदार्थ की अवस्था में फिर से परिवर्तन हो जाएगा तो दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल जाती है ठीक है जब दाब बढ़ाते हैं तब तो क्या होता है और तापमान घटाते हैं तब क्या होता है तब गैस द्रव अवस्था में गैस द्रव में बदल जाती है अच्छा क्या हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जाना है? नहीं जाना है अच्छा इसे उच्च दाब पर संग्रहित कर सकते हैं इसको हम उच्च दाब पर हाई प्रेशर पर इसको इकट्ठा किया कर सकते हैं जैसे जो समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब होता है समुद्र के स्तर पर जो वायुमंडली दाब होता है उसे ही हम सामान्य दाब कहते हैं जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना अगर हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है ठीक जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है इसी कारण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है यानी कि शुष्क बर्फ भी कहा जाता है अच्छा बच्चों अब ये समझ लीजिए पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस द्रव और गैस पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस द्रव और गैस इन तीनों का क्या है कि इन ये तीनों दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं चाहे है ठोस हो द्रव हो गैस हो इनका क्या होता है तापमान और दाब के द्वारा ये की जाती है जैसे द्रव का ठोस में बदलना ये क्या कहलाता है फ्रीजिंग यानी कि हिमीकरण गैस का द्रव में बदलना कंडेंसेशन संघनन कहलाता है और जिस ताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह ताप द्रव का हिमांक कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है तो बच्चों तीन चीजें आपने देखा हा? फ्रीजिंग कंडेंसेशन और फ्रीजिंग पॉइंट अगर द्रव का ठोस में बदल जा रहा है द्रव ठोस में बदल रहा है तो वो फ्रीजिंग हो गया गैस द्रव में बदल रहा है तो वो कंडेंसेशन हो गया और जिस ताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह ताप द्रव का हिमांक कहलाता है तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं पर हम क्लोज करते हैं ठीक और नेक्स्ट रहेगा सब्लिमेशन एंड इवापोरेशन सब्लिमेशन मतलब होता है उर्धोपातन सब्लिमेशन हम आपको अभी ही बता देते हैं जैसे कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से गर्म करने पर बिना द्रवावस्था में परिवर्तित हुए सीधे अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन यानी कि उर्धोपातन क्या कहते हैं सब्लिमेशन या फिर उर्धोपातन अच्छा जैसे सब्लि जैसे आप ये ले लीजिए कपूर ठीक है ये, ये देखिए सबलीमेशन कपूर ले लीजिए जैसे कपूर क्या होता है कपूर है या नौसाद जिसे हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं आयोडीन है ये सब तेज़ी से गर्म करे बिना गर्म करने पर बिना द्रवावस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में यानी कि सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं इन अर्थात इनका उर्धोपातन हो जाता है और वाष्प को जब ठंडा करते हैं तब क्या होता है ठंडा करने पर पुनः इन्हें ठोस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है तो वाष्पों को ठंडा करने पर प्राप्त ठोस को हम सबलीमेट कहते हैं और तो पातज कहते हैं ठीक जैसे एक एक्टिविटी आप करना चाहो तो कर सकते हो जैसे थोड़ा सा कपूर ले लीजिए और उसे उसका चूड़ बनाकर चीनी की प्याले में रख लीजिए अब एक कीप को उल्टा करके इस प्याले के ऊपर रखिए इस कीप के एक सिरे पर इस खीप के एक सिरे पर रुई का टुकड़ा रख दीजिए आप इसको धीरे 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 गर्म करिए और ध्यान से देखिए फिर आप निष्कर्ष निकालिए निष्कर्ष क्या निकालोगे बच्चों कि कपूर है जो या अमोनियम क्लोराइड है जब उसको हम गर्म कर रहे हैं तो वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जा रहा है ठीक वो द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तित हो रहा है वो सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि कपूर और अमोनियम क्लोराइड दोनों ही उर्धपातन दर्शाते हैं ठीक बच्चों आज आ, आज आप ये इतना पढ़िएगा जितना मैंने आज आप लोग को बताया है क्या क्या बताया मैंने ताप और दाप का प्रभाव बताया पदार्थ पर और दूसरा मैंने आपको बताया उर्ध्वपातन किसे कहते हैं ठीक हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वाष्पीकरण यानी कि एवापरेशन और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और दूसरा वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है हाउ डज इवापरेशन कॉजेज कॉलिंग तो बच्चों इतना आप पढ़ के रखिएगा नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम फिर मिलेंगे ओके स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग कीप रीडिंग थैंक यू